क्या मतलब फिल्म में मैं हूँ तो हीरो ही रहूँगा। हाँ, ये सिनेमा का नाम है सनब बिहार। यस, डायरेक्टर साहब, इनके साथ मेरी ये तीसरी मूवी है। एक हमने हथकड़ी किया था, मैं और दिनेश भैया, इंतकाम किया था हम और मेरा हस्बैंड, दोनों पिक्चर सुपर डुपर हिट। सुपर डुपर हिट, ये हैट्रिक के चक्कर में हैट्रिक मारेंगे इस बार। ये तीसरी मूवी है इनके साथ मेरा, और ऐसा नहीं विश्वास है कि इस सिनेमा को भी खूबसूरत बनाने का काम करेंगे। और हमारे प्रोड्यूसर साहब किधर है? ये रहे कैप्टन साहब, इनका एक चैनल भी है कैप्टन ऋषि मूवी, ऋषि मूवी भोजपुरी की, भोजपुरी की चैनल भी तो। और हमारी मनी भट्टाचार्य जी के साथ मेरी दूसरी मूवी है, तीसरी दूसरी तो इनके साथ मेरी दूसरी। इनका शुरुआत मेरे साथ ही हुआ था जिला चंपारण में, इसमें एक पहली बार मुझे लगता है भोजपुरी में कुकिंग पहली बार बन रहा है। हाँ, शायद पहली बार, शायद हीरो पहली बार कोई। मैं इसमें वकील के किरदार में हूँ कि सिर्फ हम हीरो किसी को मार के हीरो नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि हर मुद्दे की लड़ाई होती है और जो हर मुद्दे पे बात करता है वही दुनिया का हीरो होता है। जिस तरह एक राम का चरित्र था, पूरी दुनिया ने उनको भगवान मान लिया, तो इसलिए क्योंकि हर किरदार में वो माँ के भी बात को माने, समाज को भी एक मोहब्बत की प्रकाष्ठा जो होती है उसको भी लेकर चले। उनका विचारधारा ही कुशलपूर्वक था, इसलिए पूरे हिंदुस्तान ने उनको हीरो मान लिया और भगवान के रूप में देखा। तो एक हीरो का दायित्व जो बनता है हर क्षेत्र में उसको अपने आप को साबित करना होता है, चाहे वो जिस विधा में हो। और कहानी वही होती है, बस करेक्टर चेंज हो जाता है, हम करेक्टर प्ले कैसे करते हैं और हम अपने आप को साबित कैसे करते हैं। तो कोशिश हमारी रहती है कि कुछ यूनिक चीज़ों को लेकर आदमी काम करे। और हमारे राइटर दिलीप ठाकुर जी, हमारे कैमरामैन प्रिंस भैया, हमारे मास्टर जी, हमारे उनको तो आप लोग जानते ही, बहुत अच्छे इंसान हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, और दोनों एक साथ नहीं मिलता है इस धरती पे। कोई एक्टर अच्छा होता है तो इंसान बुरा होता है, और इंसान अच्छा होता है तो एक्टर अच्छा नहीं होता है। और दोनों चीज़ें एक साथ उनके साथ हैं, हमारे रियाज खान जी के साथ, और मैंने कम से कम 15-20 मूवी भाई के साथ किया है और सब अच्छा मूवी किया है। तो सबके लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और इस सिनेमा का नाम है सनफ बिहार, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ का बेटा हूँ, जिस धरती ने मुझे पैदा किया, जिस धरती ने मुझे बड़ा किया, जिस धरती ने मुझे पहचान, जिस भाषा ने मुझे आज इस लेवल पे खड़ा कर दिया कि मैं आप सबके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी भाषा का देन है। आगे कोई सवाल? सर, सनफ बिहार है तो इसमें सनफ बिहार कौन है? सनफ बिहार मैं नहीं, सनफ बिहार एक कहानी, बिहार की समस्या, बिहार की जो प्रेरणा है वो है सनफ बिहार का। मतलब बिहार में मैं भी हूँ और बिहार में बहुत सारे लोग, तो मैं एक तो बिहार का नागरिक हूँ, एक भाषा का बेटा हूँ और इस भाषा को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं अपने सिनेमा के द्वारा, कि हमारी समस्या भी है, उस समस्या से कैसे निकलना है, वही है सनफ बिहार। क्योंकि बिहार में बहुत सारी कीर्तिमान है जो कि लोगों तक पता नहीं है, सिर्फ किताबों में है, लेकिन हमें जागरूक करना है उसे, ताकि दुनिया को बताएं कि हम ऐतिहासिक धरती के पुत्र हैं। तो कोशिश हमारी यही है और इसीलिए हमने इस सिनेमा का नाम सनफ बिहार रखा। क्या खास तैयारी की है फर्स्ट टाइम आप वकील के रोल में? देखिए, करेक्टर के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है, आप अनुभव कर लो, हर चीज़ तैयार हो जाती है। और एक करेक्टर जो होता है तो वो कहीं ना कहीं आप महसूस करते हैं। जैसे हम रिलेशन के लिए कुछ तैयारी नहीं करते, वो हमें महसूस करा देता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरे फूफा है, ये मेरे बुआ है। तो करेक्टर जो होता है, कि हीरो का हो चाहे किसी भी चीज़ के, उसके लिए तैयारी नहीं होती है, रिलेशन के लिए तैयारी नहीं होती है, किसी कहानी को बड़ा करने के लिए सीक्वेंस बन सकते हैं, परफॉर्म के लिए तैयारी नहीं की जाती है। आप महसूस कर लीजिए, आप अपने आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। मैं जहाँ तक अनुभव किया हूँ, बाकी लोग क्या करते हैं, क्या तैयारी करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन में तैयारी कुछ नहीं करता, सिर्फ करता हूँ। तैयारी करके करना तो मुझे लगता है कि वो टारगेट हो गया, बट नहीं, मैं करते जाता हूँ और अपने आप मेरा टारगेट बनते जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन एक नया रास्ता बनाऊँ और उस रास्ते पर पूरी दुनिया चले, उस रास्ते पर भी 10-20 गाड़ियाँ चलें, लोग अपनी मंजिल उस रास्ते पर चल के तय करें। कहानी सुनने के बाद मैं इस कहानी से इतना प्रभावित हो गया, मुझे जहन में सिर्फ एक ही
हीरो दिखते थे सारी। मैं बोला खेसारी जी में ही ये रोल शूट करता है, इत्तफाक से मैं भी बिहार कराने वाला हूँ आरा का हूँ, और ये इस कहानी में एकदम परफेक्ट खेसारी जी बैठे हैं और ये मेरे साथ है। ये बात कराइएगा सही है आजकल जो देखिए जो बात सही है, जो कहानी पढ़ने के बाद सुनने के बाद मुझे लगा, तो मैंने प्रोड्यूसर अमित जी को अप्रोच किया, अमित गुप्ता जी रेडी हो गए बनाने के लिए, खेसारी जी को लेकर फिल्म करते हैं हम लोग हैं, ये बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, एक नया सब्जेक्ट है और एकदम सटीक बैठता है। और डेट कैसा मिला खेसारी जी आपको, डेट कैसा दिया सर? 16 से चल रहा है डेट, तो 16 तारीख से मैं शूट करने वाला था 14 के बाद, और की समस्याएं ऐसी हुई कि मैं सॉरी मांगता हूँ अपने प्रोड्यूसर साहब से भी और डायरेक्टर साहब से, क्योंकि मैं बिहार गया था, कुछ परेशानियाँ थी, क्योंकि मैं अलग एक धारा में चलता हूँ जीवन में, तो मेरे पे एक चेक बाउंस का केस था, तो उसका बेल कराना मुझे, और मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं अपने पावर से लोग अब बेल ले लेते हैं, बट मुझे लगता है कि नहीं, समाज में हर चीज़ बना है तो उसका नियम का पालन जब हम ही नहीं करेंगे तो ये समाज कैसे करेगा। तो मैं उसके बेल के लिए गया था और थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें हुई, फिर मेरा एक घटना हो गया नेपाल में, मेरी 4 गाड़ियाँ जल गई एक शो के दौरान, तो थोड़ा उसमें परेशान हो गया मैं, और थोड़ा सा 4-5 दिन सर को मैं बोला कि सर थोड़ा सा है, थोड़ी अलग स्थिति थी, सो नहीं पा रहा था मैं, घबराहट बहुत हो रही थी, मेरे सामने गाड़ियाँ मेरी चली थी, मेरे बच्चों को थोड़ा सा चोट भी लगा था, तो कहीं ना कहीं वो होता है आदमी, मैं भी इंसान ही हूँ, पत्थर तो हूँ नहीं कि मुझे महसूस नहीं होगा, तो एक इंसान के तौर पर मुझे थोड़ा सा परेशानी और घबराहट हो रही थी, तो 10 दिन से मैं बहुत परेशान था, तो फिर सर को मैं बोला कि सर मैं आज फाइनली आ रहा हूँ, तो मैं कल ही आया बिहार से, आज शुरू कर दिया, कल ही आया और आज शुरू कर दिया। उस कोर्ट और इस कोर्ट में क्या फर्क है सर जी? सर उस कोर्ट में मुजरिम मैं था और इस कोर्ट में वकील मैं हूँ। नेपाल का जो घटना हुआ था ना, तो दिनेश जी आपको बहुत ये किया, दिनेश जी से मैं बात भी किया था, दिनेश जी आपका सपोर्ट में आए थे एकदम से, और बोले कि उनके साथ जो ये हुआ, तो उसके बाद आपका एक रिएक्शन जानना चाहता था हम लोग। सर जब अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था तो पूरी देश अभिनंदन के साथ थी, लेकिन मेरे साथ जब घटना हुआ तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक आदमी खड़ा नहीं। हो सकता है जो लोग प्रोफेशनली मुझे दुश्मन तो मानते ही हैं, अपने पर्सनल लेवल पे भी लोग मुझे दुश्मन मानते हैं, अब क्या मानते हैं मुझे पता नहीं। कुछ लोग ने मुझे कॉल किया था, जैसे दिनेश भैया का पहला कॉल आया था इस घटना के बाद, जब उनको पता चली तो 3 बजे सुबह में जब मैं नेपाल से लौट रहा था, 12-1 बजे मैं लौटा वहाँ से, जैसे इंडिया में इन किया तो दिनेश भैया का 3 बजे सुबह में कॉल आया मुझे कि बाबू कैसे हो, ठीक तो होना, अब तो कुछ नहीं हुआ, हम कि नहीं भैया मैं कुछ चल इंडिया वापस लौट गया। फिर सुबह में अमरपाली जी का कॉल आया था, प्रदीप जी का फ़ोन आया था मुझे, प्रदीप सिंह जी का, रत्नाकर जी का फ़ोन आया था मुझे। इसके अलावा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ मैं काम किया हूँ उन लोगों ने, एक दो लोगों ने किया था मुझे, बट उसके बाद किसी हीरो हीरोइन का कॉल, अक्षरा जी का मैसेज आया था मुझे, अक्षरा फिर ये मेरे आने से 2 दिन पहले घटना के 2 दिन बाद उन्होंने किया था। 1 हफ्ता पहले घटना के 1 हफ्ता पहले किए थे कि नहीं, घटना के 1 हफ्ता बाद कुमा में थे, कुमा में थे सारे, क्योंकि घटना में खुद ही सड़ने में थे, स्टेज पे ही के ऊपर लाठी चली गई, हमारा दिमाग खराब कर रहा है। खेसारी जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी, सबसे पहले मैंने पथकड़ी की थी, पथकड़ी जो फिल्म की थी, दिनेश जी थे या खेसारी जी थे, वो फिल्म अपने आप सुपर डुपर एक इतिहास, उसके बाद इंतकाम की थी, तो अमन के पास है मेरी इनके साथ जोड़ी ऐसी है, अगर हम काम करते हैं तो पिक्चर सुपर डुपर अमन खरीद सकते हैं, और ऐसा ये काम करते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से बोला था कि देखिए एक बार खेसारी जी काम शुरू कर दिए ना, सेट पर रहना, तो काम के प्रति वो आदमी सर, हम लोग किसी ने 11 बजे का टाइम दिया, वस्त्रकर सर 11 बजे पहले आया क्योंकि खेसारी जी का टाइम नहीं था, तो परफेक्ट बैठा इंसान। अगर हम सोते तो इस जगह पे नहीं होते, तो अगर आप सोइएगा तो आपके लिए दुनिया क्यों जगेगी? देखिए जागरूकता लाने के लिए और लोगों को जगाने के लिए आपको सोना नहीं, आपको जागना पड़ेगा। जब आप सोते आप अच्छा काम नहीं करते हो तो आपका बाप, आपका माँ, आपकी परिवार आपसे पीछे हो जाती है।
कि अरे यार कुछ करता ही नहीं है, तो आप पे रिस्क नहीं लेती। तो जब आपकी जनता जान जाएगी कि ये तो सोता रहता है यार, ये तो खत्म आदमी है, तो फिर हमारे लिए हमारी जनता मेहनत क्यों करेगी? हमें सोने के लिए नहीं, हमें जगने के लिए पैदा किया गया है। और हम एक परिवार के नहीं, हम पूरे समाज के हैं। और जब आप समाज के हो जाते हैं तो आपके ऊपर सिर्फ आपके बीवी के, आपके बच्चों का, आपके ही माँ बाप का दायित्व तो नहीं बनता है, आपको पूरे समाज को लेकर चलना पड़ता है। क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक बन चुके हो। पहले किसी के बेटा थे आप, वो 20 वर्ष पहले की बात करता है, मैं किसी एक का बेटा था, मैं किसी एक का पति था, लेकिन आज मैं कितने का भाई हूँ, कितने का बेटा हूँ, कितनों के दिल का राजा हूँ, पति नहीं बोल सकता, लेकिन कितने लड़कियों के दिल पे तो मैं राज करता ही हूँ ना। मैं लड़कियाँ तो चाहती है ना कि ये मेरा हो, बाप चाहता है ना कि मेरा बेटा हो, माँ चाहती है ना, बहन चाहती है ना कि मेरा भाई। तो जब आप समाज के हो जाते हैं और जब आप पे समाज की नज़र पड़ जाती है ना, समझ लीजिए कि लाइक दिस आई एम ट्रेन, हर आदमी सफर करना चाहता है कि सारी के ऊपर चलो, तो वो जरूरी है। आप बिहार के सोनक तो बिहारी समझो, और उत्तर प्रदेश का भी आप मतलब पूरे इंडिया में आपका एक बहुत अलग सा ये है, धनुर्दास है, लेकिन जो बिहार में जो छात्राओं के ऊपर जिस घटना हो रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है? सर सबसे पहले मैंने ही बोला है, भोजपुरी का एक भी एक्टर और एक भी नेता कोई स्टेटमेंट उन छात्रों के लिए नहीं दिया, मैंने दिया है। क्योंकि मैं नेता नहीं, मैं अभिनेता नहीं, ना मैं नेता हूँ ना मैं अभिनेता हूँ, मैं एक बेटा हूँ। इसीलिए मुझे लगा मैं भाई हूँ, इसीलिए मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए। मुझे राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं, प्रचार करना अलग मुद्दा हो गया कि मैं किसी के लिए जाकर बोल देता हूँ, किसी का प्रचार कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जनता मोहब्बत करती है तो शायद मेरी बात मान जाएगी, इस आशाओं में कोई मुझे बुलाता है, और जो अच्छा होता है उसके लिए मैं करता हूँ। लेकिन सबसे पहले ट्वीट मेरा ही आया था, अभी तक किसी भी आर्टिस्ट का ट्वीट उन छात्रों के लिए नहीं आया। हम हो सकता है कि समाज के मनोरंजन के भविष्य हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश को चलाने के लिए उन शिक्षित लोगों की ज़रूरत है, शिक्षित लोगों का रहना बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है हमारी, क्योंकि वो पढ़े हैं इसलिए, क्योंकि देश का रक्षा। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।